नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। हरिद्वार में चल रहे कुंभ के अंतर्गत बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर तीसरा शाही स्नान हुआ है आज। इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संतों ने इसमें स्नान में हिस्सा लिया। जानकारी के अनुसार ये स्नान सुबह 10:15 से शुरू हुआ, शाम को 5:30 बजे तक चला। निरंजनी अखाड़े के प्रस्थान करने के बाद तुरंत ही ब्रह्मकुंड घाट पर साफ सफाई कराई गई। जल पुलिस ने लगातार समय से सन्यासियों को स्नान करके भेजने में सहयोग भी किया। निरंजनी अखाड़ों के बाद जूना अखाड़ा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान करने के लिए पहुंचा था। जूना अखाड़ा और अखाड़ा है जिसे नागा साधु की संख्या के मामले में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। जूना अखाड़े में करीब 4 लाख सन्यासी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेश आनंद गिरी जी महाराज है। जूना अखाड़े को सबसे रौद्र अखाड़ा भी कहा जाता है। जूना अखाड़े के हर की पौड़ी पहुंचने पर पूरा घाट हर हर मां गंगे के नारों से गूंजमया हो गया था। शंख की ध्वनि से वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया गया। भस्म लपेटे इन नागा सन्यासियों को देखकर आप भारतीय परंपरा के एक अलग रूप से परिचित होंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उपनल कर्मचारियों की मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री से मिलकर उपनल कर्मचारियों के मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए आंदोलन को जल्द समाप्त कराने की मुख्यमंत्री से मांग की है। सूर्यकांत धस्माना ने सीएम को ज्ञापन देकर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि साल 2018 में हाईकोर्ट ने सरकार को अपने कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने, चरणबद्ध तरीके से नियमित करने और GST के दायरे से मुक्त करने के आदेश दिए थे। सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की हुई है। मसला बहुत सीधा है। उपनल कर्मियों के बारे में नवम्बर 2018 में राज्य के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने आदेश दिया, समान काम के लिए समान वेतन दो, चरणबद्ध तरीके से समायोजित करो और GST और सर्विस टैक्स काटना बंद करो। इसके खिलाफ राज्य की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट SLP में। सरकार को चाहिए था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते, कर्मचारियों से बातचीत करते, जितना संभव था उतना करते कम से कम। लेकिन सरकार जिस प्रकार से SLP पे गई, आज कर्मचारी मांग कर रहा है कि SLP विड्रॉ करिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करिए। राज्य की सरकार केवल किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को लंबा खींच करके इसको किसान आंदोलन की तरह चाहती है कि निष्प्रभावी हो जाए, लेकिन न तो किसान आंदोलन निष्प्रभावी हुआ और न अपनल कर्मचारियों का आंदोलन निष्प्रभावी होगा। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये उपनल वाले ही इनके कफन में आखिरी कीट होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत द्वारा सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली के पक्ष में की गई भावनात्मक अपील को लेकर BJP के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा है कि जब सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और उनकी पत्नी का निधन हुआ था, उस पर कांग्रेस के बड़े नेता उस समय की ओर कहा गया था उस समय कि अगर BJP दिवंगत विधायक के परिवार से किसी व्यक्ति को उपचुनाव में कैंडिडेट बनाती है तो कांग्रेस को अपना कैंडिडेट खड़ा करना नहीं चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता उस समय विधायक जीना को श्रद्धांजलि देने स्वरूप कोई कैंडिडेट उपचुनाव में न खड़ा करने की बात कह रहे थे और आज कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस की ओर से जो संवेदनहीनता दिखाई जा रही है उसको सल्ट विधानसभा की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मदन कौशिक ने कहा कि सल्ट विधानसभा की जनता अपने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि स्वरूप एक बड़ी जीत देने जा रही है। कांग्रेस के कुछ नेता जो आज से जीना जी की मौत के बाद कहते थे कि उनके परिवार को यदि टिकट मिलता है तो कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया जाएगा, आज उनकी वो संवेदनशीलता संवेदनहीनता में बदल गई है। आज वो राजनीतिक रूप से और दूसरी तरह की अपील और इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सल्ट की जनता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जो उनके बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, श्रद्धांजलि के रूप में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को देगी। और मैं वहाँ गया हूँ, मैंने कार्यकर्ताओं का वहाँ देखा है, मैंने वहाँ की जनता के उस मर्म को उस दर्द को मैंने सुना भी है और देखा भी है। तो 17 तारीख को वहाँ की जनता एक बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। पौड़ी जिले में बढ़ती वन अग्नि की घटनाओं पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, इसके लिए वन अग्नि से आमना सामना करने के लिए अब मॉक ड्रिल का सहारा लिया जा रहा है, जिसके जरिए वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए एक बेहतर प्रशिक्षण इस मॉक ड्रिल में किया जा रहा है।
जिले के कई क्षेत्र में आयोजित हो रही इस मॉक ड्रिल के जरिए वन अग्नि को कंट्रोल करने के परपंच बखूबी सिखाए जा रहे हैं, जिससे खाक होती वन संपदा और वन जीव को वन अग्नि की घटनाओं से बचाया जा सके और जंगलों की आग मानवीय बस्तियों की ओर ना पहुंचे। इसके लिए भी किस तरह से फायर लाइन काट कर वन अग्नि को एक सीमित क्षेत्र में रोकने के तरीके भी इस मॉक ड्रिल में सिखाए जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में हमारे वनाग्नि की घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं और उसमें जो है काफ़ी पशुधन हमारा जो व्यक्तियों की घायल हो रहे हैं लोग और काफ़ी फॉरेस्ट का वन क्षेत्र का नुकसान हो रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इसके क्रम में जो है पूरे ज़िले में हमारे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि लोग जागरूक हों और किस तरीके से तेज़ी से और पूरे संसाधनों से जो है हम अग्नि पर नियंत्रण करें और दुर्घटना ज़्यादा ना हो पाए और हमारा क्षति जो है बहुत ही मिनिमाइज हो सके और लोग जागरूक हों, इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन थली साइड ब्लॉक में किया गया है। हल्द्वानी में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर भव्य झांकी का आयोजन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की बदौलत ही आज देश की तरक्की और उसके बेहतर निर्माण की नींव रखी गई है, लिहाजा लोग आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं। हल्द्वानी में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा और झांकी निकाली गई, जो कि मंगल पड़ाव से होते हुए पूरे शहर भर में निकली। बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान के अनुरूप देश की अखंडता और एकता, दलित, वंचित और पिछड़े लोगों को उनका हक दिलाने सहित कई बेहतर काम संविधान में किए गए हैं, लिहाजा आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, इस भारत को अच्छा संविधान दिया और महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार दिया और दलित अल्पसंख्यक लोगों को भी वोट डालने का अधिकार दिया और उन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए जो है बाबा साहब ने संविधान लिखा। इसी के तहत हम बाबा साहब को जो है 14 अप्रैल को याद करते हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब के किए हुए कार्यों को पूरा भारत का जो मानव है सब उस बाबा साहब के सम्मान को मानते हैं। बाबा साहब के सम्मान में हम लोग हर साल 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और झांकी के रूप में जो है रैली का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को जो है इसमें भागीदारी होती है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में महिला कांग्रेसियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान महानगर महिला कांग्रेस कमलेश रमन ने कहा कि भीमराव अंबेडकर की बदौलत आज भारत का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना है, जिसकी बदौलत आज सभी को शिक्षा मिलने के साथ ही वंचित वर्गों को भी न्याय का अधिकार मिला। उनकी जयंती के अवसर पर हम तमाम सभी देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश के लिए जो इतना बढ़िया संविधान बनाया, जिसमें हर वर्ग को आगे आने के लिए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए उन्होंने चेताया, शिक्षित बनो, शिक्षित शिक्षा ग्रहण करो, ये सारे जितने भी स्लोगन थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के थे कि जितना भी हमारा दबा कुचला पिछड़ा वर्ग है वो आगे आए अपने अधिकारों के प्रति। और इस देश के अंदर आज जो संविधान को तोड़ और मोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, हम समझते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर को आज सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि अगर उनके संविधान पर ये पूरा देश चले और केंद्र में बैठी हुई सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को छेड़छाड़ ना करे। और उसके साथ ही पूरे देशवासियों को आज हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएँ देना चाहते हैं 130वीं जयंती के अवसर पर। बाबा भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। प्रसिद्ध धाम गंगोत्री के कपाट खुलने का समय तय हो गया है। श्री पंच मंदिर समिति गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर मां गंगा मंदिर के कपाट का समय तय किया है। समिति अध्यक्ष सुरेश सेमवाल और सचिव दीपक सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 15 मई को सुबह 7:31 पर मार्गशी नक्षत्र मिथुन लगन की शुभ वेला और वैदिक मंत्रोच्चारण के शुक्त पाठ, गंगा लहरी पाठ, गंगा सहस्नान नाम पाठ के साथ खोल दिए जाएंगे। माँ गंगा की उत्सव भव्य डोली 14 मई को मुखवा मुखी मठ से 11:45 पर शुक्ल पक्ष कर्क लगन पर गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाएगी। मसूरी में भारतीय दलित साहित्य अकादमी मसूरी के तत्वाधान में भारत रत्न बाबा साहेब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मसूरी में अंबेडकर चौक पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए सादगी के साथ मनाई गई। इस मौके पर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सैकड़ों की तादाद में एकत्रित लोगों ने चौक पर लगी अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर बाबा साहेब अमर रहे के नारे भी लगाए। बाबा साहब की 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर जो बाबा अंबेडकर चौक है मसूरी में, वहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए और बहुत अच्छा कार्यक्रम सामाजिक संस्था ने किया और सभी लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। और वास्तव में मौका ही ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाया इस भारतवर्ष को एक करने में, इस भारतवर्ष को एक नई दिशा देने में, इस भारत भूमि से इंसान पर इंसान का जुल्म मिटाने में। जो उन्होंने योगदान दिया, उनका योगदान सदियों तक याद किया जाएगा। जब तक हिंदुस्तान का लोकतंत्र जीवित होगा, जब तक हमारा संविधान जीवित है, तब तक बाबा साहब को बहुत शिद्दत से याद किया जाएगा और इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से रहेगा। एक छोटे से परिवार में होने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार से अपनी पढ़ाई करी, विदेश तक जाकर अपनी स्कॉलरशिप के द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा पढ़ाई करके जब वो भारत लौटे तो उन्होंने मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज में हो रही दिक्कतों के लिए बहुत संघर्ष करे। उनका हमेशा एक नारा रहा कि कोई छुआछात ना हो, महिलाओं में कोई भेदभाव ना हो, गरीब अमीर में कोई भेदभाव ना हो, और इसी कारण आज वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उधम सिंह नगर जनपद के यूपी सीमा से लगे जंगलों से बेशकीमती सागौन और खैर की लकड़ी की तस्करी वन विभाग के लाखों प्रयास के बावजूद भी लगातार जारी है। खटीमा वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर इस्लाम नगर गोटिया में छापा मारकर स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पकड़ी। स्कॉर्पियो गाड़ी से वन विभाग की टीम ने 31 नग बेशकीमती खैर की लकड़ी बरामद की है। वहीं लकड़ी तस्कर भागने में सफल रहे। बता दें, खटीमा वन रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र राल के अनुसार मुखबिर की सूचना पर उन्होंने वन विभाग की टीम के साथ इस्लाम नगर गोटिया में छापा मारकर एक स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल बरामद की है। 3 बजे जब मुखबिर द्वारा सूचना लिखी कि आज जो है गाड़ी लोड हो रही है, तो मैंने तुरंत अपने स्टाफ को जो है बुलाया। स्टाफ जो है मेरा गोटिया में वहाँ गया, पहुँचा तो ये लोग गाड़ी को भर चुके थे। स्कॉर्पियो थी जिसका गाड़ी का स्कॉर्पियो का नंबर है UK 0A AP 1745। उसमें खैर भरा हुआ था और एक मोटरसाइकिल बगल में खड़ी थी, जिस मोटरसाइकिल से घरों से उस लकड़ी को जो है लादा गया था। मेरे स्टाफ द्वारा जो है घेराबंदी करी गई, मगर आबादी के क्षेत्र होने और अंधेरा का फायदा उठाकर जो है 2-3 जो तस्कर थे वो मौके से फरार हो गए। मौके पर ही हमारे कर्मचारियों द्वारा, स्टाफ द्वारा जो है स्कॉर्पियो खैर से लदी हुई और मोटरसाइकिल को जो सीज कर फंडी बना करके खटीमा रेंज परिसर में उसको सुरक्षित कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है कि लकड़ी कहाँ से आई है और क्या नाम उसका जो है, इसका मकसद क्या है। पहाड़ों की रानी मसूरी में जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मसूरी के छावनी परिषद स्थित लाल टिब्बा क्षेत्र के नाटा स्टेट के जंगलों में अचानक से आग लग गई और विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग भीषण होने की वजह से तेज हवा के रुख के साथ जंगल में फैलती जा रही है। लोगों का कहना है कि कई बार आग लगने की सूचना फायर सर्विस के लोगों को दी, लेकिन फायर सर्विस नहीं पहुंच पा रही है, जिससे लोगों में खासा आक्रोश भी बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों को भी जंगल में लगी आग के बारे में सूचना दी गई, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। हमारी टीम मौके में पहुंची है। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सौगर सिंह महोदय के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे मौजूद है और फायर जो जहाँ पे लगी है वहाँ पे हमारा एक्चुअली अप्रोच नहीं है गाड़ी का, तो फिर भी हम लोग यहाँ आवासीय भवन के आसपास खड़े हैं। अगर आग ऊपर आती है तो हम लोग द्वारा इसको काबू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।